फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने दिल्ली रोड सागर। सागर जिले के जैसी नगर तहसील कार्यालय के बाहर रोता बिलखता ये किसान परिवार दरअसल अपनी जमीन का कब्जा दिलाने की गुहार लेकर आया था। बता दें कि मामले में एसडीएम कोर्ट द्वारा भी किसान को कब्जा दिलाने के आदेश भी 3 साल पहले जारी हो चुके हैं। इसके बाद भी ये किसान अपनी जमीन का कब्जा दिलाने तहसील और बिलहरा पुलिस चौकी के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुका है। दरअसल मामला जैसी नगर तहसील की टप्पा तहसील बिलहरा के बक्सवाहा गांव का है, जहां के रहने वाले किसान बहादुर अहिरवार जो दृष्टिहीन है और लगभग आज से 5 साल पहले उनकी 5 एकड़ जमीन पर उसके पड़ोसी किसान सेवक अहिरवार ने दबंगता पूर्वक कब्जा कर लिया। वहीं जमीन को लेकर एसडीएम कोर्ट ने बहादुर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कब्जा दिलाने के आदेश भी साल 2020 में पारित किए हैं और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उसकी जमीन का कब्जा बहादुर को नहीं दिला पाया। बहादुर का कहना है कि कई बार तहसील और पुलिस चौकी के भी चक्कर लगाएं, लेकिन सामने वाला दबंग और पैसे वाला है, पुलिस उल्टा ही उन्हें ही पकड़ कर ले गई। जो हमारी खेती के खेती का क्या है उसका, उस पे सामने वाला कब्जा कर रहे हैं हम। कौन कौन सेवक 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 कितने सालों से किए? 5 साल हो गया। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? करी है, सुनाई नहीं हो रही। ये सेवक कौन है? अहरवार सर। अच्छा बताते हैं कि आदेश हो गया कब्जा दिलाने का? कब्जा नहीं, करण नहीं दी। कौन ही करण दी? सेवक। एक ही थाने माने में रिपोर्ट करी आपने? हाँ। थाने गए थी? हाँ। थाने वालों ने क्या बोला? कुछ नहीं, हम ही होने हो पकड़ ले। तुम बोलो होने थाने वाले क्या बोले? के नहीं सर, तुम्हारे ना कोई जो कर सकत का भी। तहसील में आए तो तहसील वाले क्या बोले? विकेत के इते कछु नहीं आवे, कोई चलो भागो इते। अच्छा हाँ। कितनी जमीन है? 5 एकड़। 5 एकड़? हाँ। कब से परेशान हो रहा है? 5 साल हो गए सर। 5 साल? 5 साल से आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। सर मैं ग्राम बक्सवाहा का हूँ, शुक्ला नाम का मेरी साहब। 5 एकड़ जमीन पे कब्जा सेवक अहरवार करें सर। हम तहसीलदार आते हैं तो यहाँ से बोल। के कौन हो? बहादुर की भाई हैं जी हमारे। बहादुर तुम्हारे भाई हैं? जी। अच्छा, बड़े भाई है। हाँ, सर में छोटा। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जमीन का क्या है? पूरा मामला सर ये है कि हमारी नपती हो गई। हाँ। मौका पे आरआई पटवारी और पूरे गांव का उनके दस्तखत है सर। हम नपती होकर पत्थरा गड़ गए। हाँ। सर हम कब्जा नहीं कर पा रहा है। वहाँ जाते हैं तो कतरना कुलारी भुआता है सर। हम मरबे के लिए डरते हैं, हमारे भाई को देखता नहीं है। हाँ। सर इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाते, भी 6-7 लोग हैं सर। इसकी शिकायत वगैरह आपने सर करी? सो उन्हें पैसा भर दिए, सो चौकी वालों ने हमारे बड़े भाई को इनको अंधे को पकड़ के ले गया और सर हमको बंद किया। रिकॉर्ड सब आपके नाम है जी। वहीं बहादुर अपने परिवार के साथ जैसी नगर तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां पूरा परिवार रो रहा था। तभी मीडिया की नजर परिवार पर पड़ी तो पूरा मामला सामने आया। मीडिया ने इस संबंध में जैसी नगर तहसीलदार अनिल कुमार कुशवाहा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है। ये मामला बिलहरा टप्पा तहसील से संबंधित है और नायब तहसीलदार चुनावी कार्य में व्यस्त हैं और जैसे ही चुनाव संपन्न होता है पूरे मामले में विधिवत कार्रवाई करते हुए किसान को कब्जा दिलवाया जाएगा। हाँ, आज वो एक किसान आया था मेरे पास, ये बिलहरा टप्पे से संबंधित प्रकरण है। अब उसकी जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है। मैंने आश्वासन दिया है कि जैसे चुनाव समाप्त होगा उस पर विधिवत पूरी कार्रवाई की जाएगी और कब्जा अगर उसके पक्ष में हुआ तो कब्जा दिलाया जाएगा उसे। एसडीएम कोर्ट से भी वो मतलब? हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है। उसके अगर
उसकी भूमि है तो उसको कब्जा मिलना चाहिए। अभी चूंकि हम सभी वो नायब साहब भी जो हैं वो चुनाव में व्यस्त हैं, हम बिल्कुल चुनाव बाद इस पर कार्रवाई करेंगे, है ना। धन्यवाद। ठीक। ब्रिजेंद्र रैकवार, सागर टीवी न्यूज। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, किली रोड, सागर।